हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा नेचुरल होम रेमेडी लेके आ रही हूँ हमारे हेयर के लिए। तो हमें लेना है एक प्याज, एक नींबू और लहसुन। हमें प्याज और लहसुन को अच्छे से छील के उनका पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को हम छलनी की सहायता से इसको छान लेंगे तो ये हमारा रस निकल जाएगा। इसमें हम एक नींबू का जूस ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल। आप प्लांट्स का भी ले सकते हैं या फिर मार्केट में जो पतंजलि का प्रोडक्ट है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है। अब इसमें हम दो विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में मेडिकल शॉप पे आसानी से आपको मिल जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स, हमने विटामिन ई के दो कैप्सूल इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। एलोवेरा जेल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हम अभी एलोवेरा जेल नहीं मिलाए तो हम मिक्सी के जार में भी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। प्याज में जो भी ये सल्फर होता है ये हमारे हेयर फोलिकल्स में जाके अंदर से इसको अच्छे से ट्रीट करता है, जिससे हमारे हेयर की रीग्रोथ होती है या फिर किसी के गंजापन हो गया हो तो इसके नए बाल भी आ सकते हैं इस यूज़ से। तो अगर लगातार 15 दिन तक इसको ट्राई करते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और इससे हमारे जो हेयर फॉल की जो भी प्रॉब्लम है वो भी इससे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसको लगातार 30 दिनों तक यूज करते हैं। ये एक चैलेंज है फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए, मैं इसको अपने रूट्स में लगाऊंगी। हमने एक कॉटन ले ली है, कॉटन से भी लगा सकते हैं या फिर हम हमारे पास अगर स्प्रे बोतल हो तो हम स्प्रे करके भी अपने रूट्स में इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसको लगाना है। मैं अपने पूरे बालों की रूट्स में इसको लगा लूँगी। इस रेमेडी की सहायता से फ्रेंड्स हम अपने हेयर को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। हमारा हेयर फॉल नहीं होगा। अगर हमारी स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस तरीके से हमें अच्छे से डिप डिप करके अपनी रूट्स में लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने रूट में लगा लिया है। अब मैं 5 से 7 मिनट के लिए अपने रूट में अच्छे से मसाज करूँगी। इस तरीके से आपको मसाज करनी है अपनी फिंगर टिप से। ये देखिए 5 से 7 मिनट तक आपको इस तरीके से मसाज करनी है। उसके बाद आपको एक जूड़ा बना लेना है और हमें इसको 2 घंटे तक रखना है। अगर आप इसको 2 घंटे तक नहीं रख पा रहे हैं तो इसको 1 घंटे तक तो आपको ज़रूरी रखना है, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। मेरे हेयर सूख चुके हैं तो आप देख सकते हैं बालों में इतनी अच्छी शाइन आ चुकी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड जाते जाते एक लाइक ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।